अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो आज मेरा लास्ट डे था और मैं अभी निकलने लगा हूँ एयरपोर्ट के लिए 1 घंटे तक, और बस चेकआउट का वेट कर रहा हूँ। चेकआउट करवा के तो फिर निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, फिर वहीं पे वेट करेंगे। रात 8:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है कुआलमपुर से फुकेट की, तो क्योंकि मेरा चेकआउट टाइम 11 बजे है तो अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर ब्रेकफास्ट करेंगे चल के और निकलेंगे यहाँ से। लगेज वगैरह मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस होटल का। आप लोग भी जब भी आएँ तो यहीं पे स्टे करें। अगर तो सिंगल रूम लेंगे आपको तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर शेयरिंग में लेंगे जैसे कि मैंने लिया है तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ जाएगा और बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। तो चले अभी निकलते हैं हम लोग। जी तो ये होटल का जी ग्राउंड फ्लोर है और मैं इधर आ चुका हूँ जी, और बड़ा ही प्यारा पूल बनाया हुआ है यहाँ पे, फिशेज छोड़ी हुई है यहाँ पे, और बड़ा प्यारा एक मतलब उन्होंने ना लुक दिया हुआ है इसको, होटल को। इसका नाम भी मैंने रेगालिया पूल रखा हुआ है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे होटल में, वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मीन्स के हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे। जी तो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ जी, और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ, और देखें यहाँ से मुझे लग जाएगा शायद 1-1.5 घंटा। वैसे तो मैं आते हुए वहाँ से आया था, बस पे आया था, बस भी बड़ी कंफर्टेबल थी, मैंने वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मतलब उन्होंने एयरपोर्ट के जो बस है ना बड़ी ज़बरदस्त करके बनाई हुई है, बड़ी अच्छी कम्फर्टेबल बस है वो। और मैंने कहा अभी जाते हुए ज़रा एक्सपीरियंस लेना चाहिए इसका ट्रेन का, तो इसलिए मैं जी वापसी पे भी ट्रेन पे जा रहा हूँ। ट्रेन पे भी आप जी बड़ा खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं मलेशिया का, बड़ी ग्रीनरी और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। जी तो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और बाय मिस्टेक मैंने जाना आगे था, KLIA2 में जाना था, और मैं उतर गया हूं KL सेंटर, प्लेटफार्म बी है शायद, एयरपोर्ट का प्लेटफार्म बी है। KL सेंटर से मैं आया था और प्लेटफार्म बी पे उतर गया हूं, लेकिन मैंने आगे जाना था। अभी फिर से ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, अभी ट्रेन आएगी तो फिर मैं आगे के लिए निकलूँगा। ये एयरपोर्ट है और अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ये जी यहाँ पे ट्रेन आएगी KLIA2 की, ठीक है, वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी मुझे। अब मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि मुझे बस पे आना चाहिए था। आप लोग भी जब भी वहाँ से आएँ तो बस पे आएँ, वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ट्रेन से आएंगे तो आपको 55 रिंगिट्स देने पड़ेंगे और मुझे पड़ गया है 60 में। होटल से मैं निकल गया था वहाँ से 1 बजे, हाँ 1 बजे करीब निकला था मैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ से मैंने ट्रेन करवाई थी, मुझे डायरेक्ट तो ट्रेन नहीं मिली KL सेंट्रल की, वहाँ से पहले मैं गया हूँ एक जगह का नाम है यार, मेरे माइंड से निकल गया, चौकट से पहले एक स्टेशन आता है वहाँ, वहाँ की ट्रेन थी, वहाँ से ट्रांजिट लेनी थी फिर मैं KL सेंट्रल के लिए, तो उसने मुझे वहाँ पे उतारा था उस स्टेशन पे। चौकट से पहले एक स्टेशन आता है, मेरे माइंड से उसका नाम निकल गया, वहाँ से फिर मैंने ट्रांजिट लिया, फिर मैं आगे नेक्स्ट किया था।
अभी मैं जा रहा हूँ जी KLIA 2 में जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बी से। मैंने जाना वहीं था लेकिन बाय मिस्टेक मैं यहाँ पे उतर गया। सो अभी मैंने नेक्स्ट ट्रेन ली है ट्रांसिट, जो कि मुझे उतारेगी KLIA 2 में। जी तो फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं जी डेस्टिनेशन पे, जहां मुझे आना था एयरपोर्ट पे। मैं आ चुका हूं उसी प्लेटफॉर्म पे और अभी चलते हैं आगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।